हेलो दोस्तों, मैं अवनीश, आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल द सर्कल पॉइंट पर। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे होंगे। आप सबकी फरमाइश पर एक शानदार टॉपिक मैथ का, जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज के बारे में आज हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे मित्रों, जबरदस्त तरीके से। तो देख लेते हैं साधारण ब्याज के बारे में। मेरे प्यारे मित्रों, साधारण ब्याज क्या होता है, किस तरह से ये कार्य करता है, उसके बारे में हम यहां पर देखते हैं। यहां पर देखिए, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, मेरे प्यारे मित्रों, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। जिस तरह से इसका नाम है उसी तरह से इसका काम भी है। बहुत ही साधारण है, बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही शानदार टॉपिक है। साधारण ब्याज क्या होता है मेरे प्यारे मित्रों, साधारण ब्याज होता क्या है? साधारण ब्याज वह ब्याज होता है जो हर साल समान होता है। क्या होता है? हर साल समान होता है। और इसका एक बेसिक सा फार्मूला है, SI बराबर होता है P इंटू R इंटू T होता है। क्या होता है? SI बराबर P इंटू R इंटू T होता है। अब यहां पर देखिए, हम ये भी कह सकते हैं कि साधारण ब्याज वह ब्याज होता है जो मूलधन पर, किस पर? मूलधन पर एक निश्चित समय पर और एक निश्चित दर पर लिया जाता है। क्या कहेंगे? एक निश्चित समय पर, एक निश्चित दर पर लिया जाता है। इसको हम सिंपल शब्दों में और एक सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि वो साधारण ब्याज होता है। यहां से देखिए, ये हो गया आपका SI, ये हो गया आपका P, ये हो गया R और ये हो गया T। अब यहां हम ये समझेंगे कि ये P क्या है, R क्या है और T क्या है। यहां पर देखिए, P का मतलब होता है मेरे प्यारे मित्रों, प्रिंसिपल। क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। क्या होता है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन। मूलधन, मूलधन क्या होता है? मूलधन वह धन होता है जो उधार के रूप में हम किसी से लेते हैं या फिर उधार के रूप में किसी को देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मूलधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूलधन बोलते हैं। मूलधन मेरे प्यारे मित्रों क्या होता है? कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है और अपने आप का यह क्या होता है? 100% होता है। यह हो गया मूलधन की क्वालिटी। अब देखते हैं यहां पर R। R का मतलब क्या है मेरे प्यारे मित्रों? दर। दर क्या होता है? दर वह ब्याज होता है जिस पर हम पैसा किसी को देते हैं या फिर उसी पर हम पैसा किसी से लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं? रेट बोलते हैं, दर बोलते हैं। अब यहां पर एक चीज लिखा हुआ है टी। टी क्या होता है? समय बताता है ये। जैसे आपने किसी से ब्याज लिया, आपने किसी से ब्याज लिया और आपने कहा कि हम एक साल बाद देंगे, मतलब हम ब्याज कितने दिन का ले रहे हैं? एक साल का ले रहे हैं, दो साल का ले रहे हो या फिर चार साल का ले रहे हैं या फिर छह महीना के लिए ले रहे हैं, तो वही होता है आपका टाइम। एक निश्चित पीरियड, एक निश्चित अवधि पर दिया गया ब्याज क्या कहलाता है? समय कहलाता है। क्या कहलाता है? समय कहलाता है। तो यहां से हमने जान लिया SI बराबर क्या होता है? P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, इसी के माध्यम से हम सवालों को सॉल्व करेंगे और इसकी जो बेसिक जानकारी है मेरे प्यारे मित्रों, हम प्रश्नों के माध्यम से भी समझेंगे। तो चलते हैं, यहां पर देखते हैं पहला सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है। यदि 6,400 रुपए का 7.5% वार्षिक दर से एक वर्ष तीन माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर क्या क्या दिया हुआ है। ये आपका 6,400 रुपए क्या दिया हुआ है? मूलधन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मूलधन। इसको आप लिखेंगे, P से परिभाषित करेंगे, मूलधन मतलब प्रिंसिपल। तो कितना हो जाएगा ये? 6,400 रुपए। ये 7.5% क्या है? अभी हमने आपको बताया कि दर क्या होता है, जिस रेट पर हम पैसा किसी से लेते हैं या फिर उसी रेट पर किसी को पैसा देते हैं, वही क्या कहलाता है? रेट कहलाता है। तो यहां पर लिखिए रेट। R यहां क्या दिया हुआ है? 7 सही 1/2
2%, ये क्या है आपका आर है। फिर कह रहा है एक वर्ष तीन माह, यहां देखिए बहुत ही शानदार जानदार क्लाइमेक्स है। और यहां पर देखिए आप कहेंगे एक वर्ष तीन माह, अब यहां पर देखिए टाइम हमारा कितना दिया हुआ मेरे प्यारे मित्रों, एक वर्ष, एक साल का ब्याज, उसके बाद में प्लस में तीन महीने भी जोड़ रहा है, कितना तीन माह। अब हम इसको क्या करेंगे, इसकी जो यूनिटी है, इसकी जो यूनिट है उसको हम क्या करेंगे, वर्ष में तब्दील करेंगे, किसमें बनाएंगे, वर्ष में तब्दील करेंगे। यहां पर देखिए हम मेरे प्यारे मित्रों हम सब जानते हैं कि एक वर्ष बराबर या फिर वन ईयर बराबर क्या होता है, एक वर्ष बराबर कितना होता है, 12 महीने के होता है, कितने के होता है, 12 माह के होता है। अब यहां से देखिए एक साल बराबर कितना, 12 महीने के, तो एक महीना आप कैसे इसको परिभाषित करेंगे, यहां पर लिखिए एक माह बराबर, एक माह बराबर होता है 1/12, यहां आप लिखेंगे वर्ष, ये हो गया एक माह बराबर क्या लिखेंगे, 1/12 वर्ष। अब यहां पर देखिए पी हमारे पास दिया मूलधन, आर हमको पता है, अब यहां टी जो हमारा समय है, यहां समय क्या है, एक वर्ष तीन माह, ये तो वर्ष में है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये जो माह है, ये जो माह है इसको हमें कहां बनाना है, इसको हमें वर्ष में बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, यहां देखिए बहुत ही शानदार, देखिए एक माह बराबर क्या है, 1/12 वर्ष, तो यहां तीन माह दिया हुआ है तो एक वर्ष ये रहेगा, और यहां क्या करेंगे, या आप इसको लिखेंगे 3/12, क्योंकि एक माह बराबर 1/12 है, तो यहां पर 3 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, या फिर 1/12 से आप क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो यहां पर देखिए क्या हो गया, ये आपका 1 सही 3/12, इसको हम क्या करेंगे, 1 सही 1/4 कर लेंगे, और इसको छोटा करेंगे तो 4 × 4 और कितना हो जाएगा, ये 5/4 वर्ष हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5/4 वर्ष बन गया। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, बहुत ही लाजवाब तरीके से यहां पर हम आपको बता रहे हैं। देखिए पी बराबर हमने पता कर लिया कितना दिया हुआ है, 6400, आर आपको दिया हुआ है 7.5%, और टी आपको कितना बना लिया हमने, 5/4 वर्ष, तो इसको भी आप छोटा कर लिए, 7 × 14 और कितना हो जाएगा, 15/2%, ये आपका रेट हो गया। अब अभी हमने आपको बताया कि एसआई बराबर क्या होता है मेरे प्यारे मित्रों, तो एसआई बराबर अभी आपने यहां पर देखे हैं कि पी इंटू आर इंटू टी अपान में क्या होता है, 100 होता है। एसआई बराबर क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपान में 100 होता है। अब इसी फार्मूले पर इन सबको हम क्या करेंगे, रख देंगे। यहां देखिए यहां से कलर ले लेते हैं, यहां देखिए पी आपका कितना है, 6400, आर कितना दिया हुआ है, 15/2, और यहां से टी कितना दिया हुआ है, 5/4 वर्ष दिया हुआ है, कितना, 5/4 वर्ष, और यहां अपान में 100। यहां देखिए आप, यहां आप करेंगे तो 2 0 से 2 0 आपने काट दिया, 4 × 8 और 8 से भाग काटेंगे तो 8 × 28 = 64, और ये 15 × 8 = 120 इंटू में 5 से गुणा करेंगे तो 12 × 5 = 60, कितना हो जाएगा, 600 रुपये। ये 600 रुपये आपका क्या है, ये 600 रुपये आपका साधारण ब्याज है, क्या है, साधारण ब्याज, यहां से आपको 600 रुपये प्राप्त हुआ। ये हो गया पहला सवाल बहुत ही सिंपल मेथड से, इसी तरीके से आपको हम अगला सवाल बताते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, 2 नंबर का सवाल देखिए, यहां पर 2 नंबर का सवाल देखिए, कह रहा है कि 7,250 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज दर से 73 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा, कितने दिन का, 73 दिन का। अभी हमने क्या निकाल रहे थे, वर्ष में बात कर रहे थे, अब यहां पर दिन हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहां पर 7,250 रुपये आपका क्या है, मूलधन है, पी है, आप यहां लिख लीजिए 7,250, रेट आपका कितना है, 8% है, और यहां देखिए समय कितना दिया हुआ, 73 दिन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 73 डे दिया है। अब यहां पर देखिए मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, यहां देखिए
हम अच्छी तरह जानते हैं कि एक वर्ष बराबर कितने दिन होते हैं। तो एक वर्ष बराबर हम क्या करेंगे, लिखेंगे एक वर्ष बराबर होता है 365 दिन। कितना होता है 365 दिन के। तो अब यहां देखिए एक दिन बराबर क्या हो जाएगा, तो एक दिन बराबर आप क्या करेंगे, एक दिन बराबर हो जाएगा 1/365 वर्ष के। क्या करेंगे, एक दिन बराबर 1/365 वर्ष के। अब यहां देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, हमें वहां वार्षिक निकालना है और कितने दिन का दिया हुआ है, 73 दिन का। तो इसको हम क्या बनाएंगे, इसको हम वर्ष में बनाएंगे, ईयर में बनाएंगे। तो क्या करेंगे इसमें, ये हो गया आपका 73, एक दिन का ये हो गया 73 दिन, क्या हो जाएगा 365। इसको आप काटेंगे तो 1/5 वर्ष हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/5 वर्ष। अब देखिए टाइम भी हमारे पास आ गया, आर भी हमारे पास है और पी भी हमारे पास आ गया है। तो अब हम क्या निकालेंगे, एसआई निकालेंगे। तो एसआई बराबर क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपान में क्या होता है 100 होता है। पी कितना है 7250, आर यहां कितना दिया हुआ है 8% दिया हुआ है, टी आपका कितना है 1/5 में दिया हुआ है और यहां से आ गया 100। अब क्या करना है इसको, अब इसको हमको क्या करना है, काट पीट करना है। कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, यहां देखिए अगर इसको हम 4 से काटें तो ये 4 × 2 = 8 और ये क्या हो जाएगा 2500 का 100। अब हम देखिए यहां 7250 को इसे काटेंगे, यहां देखिए 25 × 50, 72 में से 50 घटाएं कितना बचा 22, तो 225 हो गया और यहां पर 25 × 9 क्या होता है 225, ये हो गया। अब इसको देखिए 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 5×5 = 25 हो जाएगा, 4 × 40 हुआ 5×8 = 40, तो कितना आ गया 58। अब हमें क्या, यहां देखिए क्या बच रहा है हमारे पास, ये 58 × में कितना हो गया 2, तो यहां पर देखिए 2×8 = 16, 2×5 = 10 और 1×11 तो कितना हो गया 116 रुपए। कितना हो गया मेरे प्यारे मित्रों, 116 रुपए आपका क्या आ गया, साधारण ब्याज आ गया, क्या आ गया साधारण ब्याज। तो यहां पर देखिए बी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही जानदार तरीके से और बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस प्रश्न का उत्तर कितना हुआ 116 रुपए। आगे देखते हैं 3 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं क्या कह रहा है। यहां सवाल देखिए बहुत ही जबरदस्त सवाल है, बैंक में जमा 5000 रुपए पर 12% वार्षिक दर से 6 मार्च 2008 से 18 मई 2008 तक का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। यहां पर देखिए 5000 हमारा क्या हो जाएगा, 5000 तो हमारा यहां पर हो जाएगा पी। इस सवाल में एक बहुत ही जबरदस्त का कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है और एक बहुत ही जबरदस्त का क्लाइमेक्स भी इस सवाल में है जो कि अभी हम आपको बताएंगे। देखिए कितने शानदार तरीके से, तो हम यहां पर लिख लेंगे कि P बराबर कितना दिया हुआ है, P बराबर आपका दिया हुआ है 5000 रुपए, R दिया हुआ है कितना 12%। अब देखिए जो टाइम पीरियड है मेरे प्यारे मित्रों यहां पर वो दिया हुआ 6 मार्च, क्या दिया हुआ है 6 मार्च 2008 से लेकर कहां 18 मई तक, कहां 18 मई 2008 तक। मेरे प्यारे मित्रों में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन इस प्रश्न में छिपा हुआ है जो हमारे व्यवहारिक ज्ञान में भी शामिल होना चाहिए और हमें वो जानना चाहिए। देखिए यहाँ पर जब भी आप बैंक जाते हैं मेरे प्यारे मित्रों, मान लीजिए कि आज की तारीख में आप पैसा बैंक में जमा करते हैं 10,000, 20,000 जो भी आपकी क्षमता हो, जो भी आप जमा करते हो, जिस दिन आप बैंक में पैसा जमा करेंगे मेरे प्यारे मित्रों उस दिन बैंक आपको ब्याज नहीं देता है।
उस दिन आपको ब्याज नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ मेरे प्यारे मित्रों, जिस दिन आप पैसा निकालेंगे, जिस दिन आप पैसा निकालेंगे उस दिन आपको ब्याज देता है। तो यही सवाल है, यही यहां पर एक कॉन्सेप्ट है, यही एक क्लाइमेक्स है जो मैं आपको अभी बताया। यहां देखिए 6 मार्च 2008 की बात कर रहा है, इसका मतलब है कि 6 मार्च की बात कर रहा है। मार्च का महीना कितने का होता है? 31 का होता है। 6 दिन उसमें क्या हो गए हैं? निकल गए। तो बचा कितना यहां से? 25 बच गया। मार्च के बाद मेरे प्यारे मित्रों क्या आएगा? अप्रैल आएगा। क्या आएगा? अप्रैल आएगा। अप्रैल में कितने महीने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं, 30। फिर आपका आता है मई, मार्च अप्रैल और मई। मई यहां पर देखिए इतना दिन दिया हुआ, 18 दिन की बात, मतलब 18 मई तक ही पैसा, मतलब टाइम पीरियड है। कहां तक? 18 मई तक। तो हम क्या लिख लेंगे? ये 18 दिन। अब इसको हम जोड़ते हैं, टोटल कितना होता है? तो 20, 30, 50, 10, 60 और 8, 5, 13 कितना हो जाएगा? 73 दिन। कितना बन गया ये? 73 डे ये आपका बन गया, 73 दिन आपका ये बन गया। आर 12%, पी 5000 रुपए। अब हमसे पूछ रहा है कि साधारण ब्याज, अभी हमने बताया था कि दिन को वर्ष में कैसे तब्दील करना है, तो कैसे बनाएंगे इसको वर्ष में? इसको वर्ष में बनाने के लिए क्या करेंगे? 365 से क्या करेंगे? यहां देखिए 1/365 से, यहां पर 365 से आपको क्या करना है? भाग कर देना है। तो ये आपका क्या बन जाएगा? ये वर्ष में तब्दील हो जाएगा। कहां? वर्ष में। तो ये आपका बन जाएगा कितना? 1/5 वर्ष। क्या बन जाएगा? 1/5 वर्ष बन जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे? साधारण ब्याज निकालेंगे। तो साधारण ब्याज आप जानते हैं SI बराबर क्या होता है? P इंटू R इंटू T। तो P कितना दिया हुआ है? 5000 दिया हुआ है। R आपका दिया हुआ है 12%, टाइम दिया हुआ है 1/5, यहां पर क्या हो गया? 100। तो 0 से 0 हमने यहां से काट दिए, 5 से 5 काट दिया, कितना आ गया? 120 रुपए। 120 रुपए का ब्याज उसे मिला। कहां तक का? 6 मार्च 2008 से 18 मई 2008 तक का साधारण ब्याज कितना हो गया? 120 रुपए हो गया। तो कौन सा ऑप्शन यहां पर दिख रहा है? सी वाला ऑप्शन पर आप टिक कर दीजिए, यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। मजा आया कि नहीं आया इस प्रश्न में? मजा आया होगा, उम्मीद करते हैं कि मजा आपको आया होगा और एक व्यवहारिक ज्ञान भी आपको मिला होगा। आगे का सवाल देखते हैं, 4 नंबर का सवाल क्या कह रहा है? 4 नंबर का सवाल देखिए, एक नए टाइप का सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है और ऐसे सवाल आपको SSC में भर भर के पूछे जा रहे हैं। यहां पर देखिए, किसी धन का 3/3/4% वार्षिक दर से 2/1/3 वर्ष का साधारण ब्याज 210 रुपए होगा। हमें यहां दिया हुआ है साधारण ब्याज दे दिया 210 रुपए, ब्याज दे दिया, दर दे दिया और समय दे दिया। हमसे पूछ रहा है क्या? हमसे पूछ रहा है कि मूलधन क्या होगा? मूलधन हमें यहां पर बताना है। अभी हमने आपको बताया कि SI बराबर क्या होता है? SI बराबर होता है P इंटू R इंटू T अपान में 100। हमसे क्या पूछ रहा है? धन पूछ रहा है, P पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है। तो क्या करेंगे? यहां से देखिए, यहां से क्या करेंगे? तिर्यक गुणा कर देंगे। तो P बराबर आपका आ जाएगा क्या? SI इंटू में कितना? 100। और यहां से देखिए बच क्या रहा है? R इंटू T को यहीं पर लिख दीजिए। यहां से आप क्या निकालेंगे? P निकालेंगे। अब मेरे प्यारे मित्रों ध्यान से देखिए प्रश्न को, R कितना दिया हुआ है? R आप यहां लिखना चाहें तो लिख लीजिए, लिखने से क्या होता है कि आपको बार बार चीजें दिमाग में आपके चलती रहेंगी। तो R बराबर क्या होगा? 3/3/4%। इसको क्या करेंगे? 4 × 3 = 12 और 3 कितना हो जाएगा? 15/4%। अब यहां पर देखिए समय क्या दिया हुआ है? टी दिया हुआ है 2/1/3, तो यहां से क्या हो गया? 2 × 3 = 6 × 7/3, ये आपका समय हो गया 7/3 वर्ष। अब हमें क्या निकालना है? पी निकालना है और SI दिया हुआ है कितना? 210। लिख लीजिए यहां पर, SI दिया हुआ है कितना? 210 रुपए। SI कितना दिया हुआ है? 210 रुपए। यहां से देखिए SI आप लिखिए 200
₹10 इंटू में आप यहां से लिखेंगे 100 और यहां से आप लिखेंगे क्या, यहां से देखिए रेट आपका क्या है 15/4 हो गया और यहां से आपका समय कितना दिया हुआ है 7/3 हो गया, 7/3। यहां से देखिए काटेंगे कैसे, 7 × 21 30 हो गया और ये क्या हो गया 15 × 30 हो गया, ये हो गया आपका क्या 200 और यहां से ये 4 ऊपर चला जाएगा और ये 3 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 4 × 3 = 1200 रुपए। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, 2400 रुपए यहां से आपको क्या मिलेगा, आपका धन मतलब मूल धन आपका कितना आया 2400 रुपए आ गया इस प्रश्न का। तो कौन सा ऑप्शन यहां पर दिख रहा है मेरे प्यारे मित्रों, जबरदस्त तरीके से बी वाला ऑप्शन पर हम क्या करेंगे, टिक कर देंगे और यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यह हो गया 4 नंबर का सवाल। आगे देखते हैं 5 नंबर का सवाल। देखिए 5 नंबर का सवाल देखिए, किसी धन पर x% वार्षिक दर से x वर्ष का साधारण ब्याज x रुपए होगा। सेम पैटर्न का सवाल है, क्या पूछ रहा है आपसे, साधारण ब्याज दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है किस धन पर। तो यहां पर अभी हमने आपको बताया कि क्या होता है, p बराबर होता है SI इंटू में 100 और यहां से क्या लेंगे R इंटू में क्या ले लेंगे T लेंगे। P यहां पर दिया है, P हमको क्या करना है निकालना है, P हमें यहां क्या करना है निकालना है। SI कितना दिया हुआ है x रुपए की बात कर रहा है और ये क्या हो गया आपका 100 हो गया। R कितना दिया हुआ है, R आपका कितना दिया हुआ है x दिया हुआ है और T कितना दिया हुआ है वो भी x दिया हुआ है। तो यहां से देखिए x से x कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा 100/x रुपए। P आपका कितना हो जाएगा 100/x रुपए। ये 5 नंबर का सवाल है और इसका सी वाला ऑप्शन जो होगा वो सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा मेरे प्यारे मित्रों, सी वाला इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये सब प्रश्न जितने भी मैं प्रश्न लेकर आया हूं, ये 9, 10, 11, 12 जो भी सवाल है मेरे प्यारे मित्रों, बहुत ही जबरदस्त सवाल हैं और ये सवाल परीक्षा में आए हुए सवाल हैं, ना कि मैं अपने आप से बना के लाया हूं। ये सवाल क्या है, सब परीक्षा में आए हुए सवाल हैं, SSC के प्रीवियस ईयर के में जितने भी परीक्षाएं हुई हैं उनमें ये सवाल सब आए हुए हैं। आगे का सवाल देखते हैं, 6 नंबर का सवाल मेरे प्यारे मित्रों। यहां देखिए 6 नंबर का सवाल बहुत ही शानदार सवाल है, एक नए पैटर्न का सवाल है। यहां देखिए, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 10 वर्ष में किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। किसी धन का साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का 2/5 होगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, साधारण ब्याज क्या हो रहा है, मूलधन का 2/5 हो रहा है। तो हम क्या मानेंगे कि यहाँ पे जो हमारा मूलधन, मानिए कि हमारा 1 था, तो SI हमारा कितना हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2/5। कह रहा है प्रश्न कि मूलधन का साधारण ब्याज 2/5 है, तो P आपका 1 हो गया, SI आपका कितना हो गया 2/5 और यहां से देखिए क्या दिया हुआ, T दिया हुआ है। T कितना दिया हुआ है 10 वर्ष का, कितना 10 वर्ष दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, R बताना है, क्या बताना है, R बताना है। तो हमने भी बताया कि SI बराबर क्या होता है, SI बराबर होता है P इंटू R इंटू T अपान में 100। यहां से भी मान रख सकते हैं और यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, R आप यहां से निकाल सकते हैं। तो यहां पर देखिए हम डायरेक्ट यहां से मान रख दे रहे हैं, तो SI कितना हो जाएगा आपका 2/5 हो जाएगा, मूलधन आपका कितना है 1 है और यहां से देखिए आर आपको क्या करना है, फाइंड करना है और टी आपका कितना दिया हुआ है 10 वर्ष दिया हुआ है। तो आर यहां से निकालना है और टी कितना दिया हुआ है 10 वर्ष दिया हुआ है। अब क्या करेंगे इसको, हम इसकी हम काटा पीटी करेंगे। देखिए ये 0 से 0 कट गया, 5 × 10 हो गया और यहां तिर्यक गुणा कर देंगे तो आर बराबर आपका आ जाएगा 4%। आर बराबर कितना आ गया मेरे प्यारे मित्रों, 4% आ गया। तो कौन सा यहां पर ऑप्शन दिख रहा है, ए वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो ए वाला इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये क्या है, ये नए टाइप का सवाल है, एक नए पैटर्न पर है। तो ये हो गया 6 नंबर का सवाल।
आगे देखते हैं सात नंबर का सवाल। यहां देखिए सात नंबर का सवाल करा, किसी धन का 12.5 वर्ष का साधारण ब्याज उस धन का 3/4 है तो ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत कितनी है। सेम पैटर्न का सवाल है तो हम कैसे करेंगे इसको। यहां से देखिए पी आपका कितना है, पी आपका यहां है मानिए ए है, क्या है एक है, और एसआई आपका कितना है 3/4 हो रहा है, 3/4 हो जा रहा है, और आपका जो टाइम है वो कितना दिया हुआ है 12/1/2 वर्ष दिया हुआ है। क्या दिया हुआ 12/1/2 वर्ष, तो 12 × 24 से कितना हो जाएगा 25/2 वर्ष हो जाएगा, क्या हो जाएगा 25/2 वर्ष हो जाएगा। हमें क्या बताना है आर निकालना है, ये हो गया आर। अब यहां से देखिए एसआई कितना हो गया, अब तो फार्मूला आपको याद हो गया होगा, आप जान गए होंगे, तो एसआई आप यहां लिखिए क्या 3/4 हो गया, मूलधन आपका एक हो गया, यहां पर टी कितना दिया हुआ है 25/2 वर्ष, और हमें क्या फाइंड करना है आर बताना है, ये हो गया 100। इसको हम ऐसे कर देते हैं, ये हो गया आपका 3/4, और यहां से आप निकालेंगे आर, ये हो जाएगा, यहां से देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 आर, और यहां से क्या हो जाएगा 2 × 100 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम इसको, अब यहां से हम काटेंगे तो 25 × 4 हो जाएगा, और 4 से 4 आपका कट जाएगा, यहां से गुणा करेंगे तो आर बराबर कितना आ जाएगा 6%। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, आर बराबर आपका आ जाएगा 6%, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है मेरे प्यारे मित्रों, यहां पर देखिए सी वाला यहां पर ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला सवाल देखते हैं, आठ नंबर का सवाल देखिए, बहुत ही जबरदस्त सवाल है और ये थोड़ा सा नए टाइप का सवाल है, तो एक प्रकार से आप जानिए टाइप बाय टाइप हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये देखिए नए टाइप का सवाल है। किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज में 42 रुपए का अंतर है तो वह राशि बताओ। क्या बताना है, वह राशि बताइए जबकि साधारण ब्याज में 42 रुपए का अंतर आ रहा है, किसमें साधारण ब्याज में, लेकिन यहां पर आपसे क्या पूछ रहा है वह राशि, तो वह राशि मतलब आपको क्या बताना है मूलधन आपको बताना है, तो हमें यहां क्या ज्ञात करना है मूलधन। हमने मेरे प्यारे मित्र आपको बताया कि मूलधन क्या होता है, वह धन होता है जो उधार लिया गया धन होता है और अपने आप का 100% होता है और क्या होता है कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है। यहां देखिए यहां से हम निकालेंगे ये एसआई बराबर क्या होता है पी इंटू आर इंटू टी अपान में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अगर यहां से हम पी कांस्टेंट मान लें, क्या मान लें कांस्टेंट मान लें, तो ये जो हमारा आर और टी है जब इसको गुणा करेंगे आर और टी का तो हमें ब्याज मिलेगा क्योंकि ब्याज के बराबर हो जाएगा। अगर पी को हम कांस्टेंट मानते हैं, पी मान लीजिए हमारा स्थिर है, तो आर और टी का जब गुणा करेंगे तो वो भी ब्याज के रूप में ही तब्दील होगा क्योंकि एसआई के बराबर होगा। तो यहां से देखिए ये मानिए आर है और ये क्या है टी है, आर कितना दिया हुआ है 5% और यहां से 5% और यहां से टी कितना दिया हुआ है 3 वर्ष और यहां कितना दिया हुआ है 4 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष दिया हुआ है। अब यहां से गुणा कर दीजिए आर इंटू टी और यहां से गुणा करेंगे तो 5 × 3 = 15 हो जाएगा और 5 × 4 = 20 रुपए, यहां से 15 रुपए यहां से 20 रुपए, ये आपका क्या हो गया 15 रुपए 20 रुपए। कह रहा है कि प्राप्त साधारण ब्याज में 42 रुपए का अंतर आ रहा है, यहां देखिए कितने का अंतर आ रहा है 20 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 रुपए का, कितने का 5 यूनिट कहिए 5 यूनिट का यहां पर अंतर आ रहा है, तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा यहां से 42 रुपए के, किसने 42 रुपए के, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा ये 42/5 आपका क्या हो जाएगा 5, और हमने पूछ रहे हैं कि मूलधन हमें निकालना है पी निकालना है तो मूलधन क्या होता है अपने आप का 100% यहां क्या लेंगे 100, क्या हो जाएगा 100, और यहां से देखिए 5 से काटेंगे तो 5 × 2 = 10 = 20 हो जाएगा और यहां देखिए 42 × 2 कितना होता 84, तो 840 रुपए, क्या हो जाएगा 840 रुपए आपका क्या हो जाएगा
वह राशि हो जाएगी। तो कौन सा यहां पर ऑप्शन दिख रहा है? डी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर दिख रहा है। कौन सा? डी वाला यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा जबरदस्त तरीके से। यह हो गया 8 नंबर का सवाल। आगे देखते हैं 9 नंबर का सवाल। एक्स और वाई को 7.5% वार्षिक ब्याज दर से क्रमशः 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए बराबर राशि उधार दी जाती है। यदि उनके द्वारा चुकाए गए ब्याज का अंतर ₹150 है तो प्रत्येक को दी गई धनराशि क्या है? क्या बताना है? प्रत्येक को दी गई धनराशि क्या है? सेम पैटर्न का सवाल है तो हम सेम तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। यहां देखिए, यहां आर और यहां टी, कितना है? 7.5% और यहां कितना दिया हुआ है? 7.5% और यहां कितना समय दिया हुआ है आपका? 4 वर्ष और यहां कितना दिया हुआ है? 5 वर्ष। यहां से क्या हो जाएगा? आर इंटू टी हो जाएगा। यहां से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहां से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 4×5=20, 7×4=28 और 2×3=30 और यहां से करेंगे तो 5×5=25 और 5×7=35, 2 कितना हो जाएगा? 37। तो 37.5। अब इन दोनों के बीच में कितने रुपए का अंतर आ रहा है? यहां देखिए कितने का अंतर है 30 और 37 में, तो 7.5 का। 7.5 किसके बराबर हो जाएगा? 150 के। कितना? 150 के। तो एक बराबर कितना हो जाएगा? ये 150 और यहां से कितना? 7.5। हमें मूलधन निकालना है तो 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहां से? ये हो जाएगा आपका 20 और यहां से आपका क्या बनेगा? ये ₹2000। क्या बनेगा मेरे प्यारे मित्रों? ₹2000 यहां की धनराशि हो जाएगी। धनराशि मतलब मूलधन कितना हो जाएगा? ₹2000। तो कौन सा ऑप्शन? सी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं मेरे प्यारे मित्रों। ये हो गया, आज 9 प्रश्न थे, बहुत ही जबरदस्त तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से मेरे प्यारे मित्रों। लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और अपने दोस्तों के बीच में, अपने यारों के बीच में जरूर शेयर करें। कहते हैं मेरे प्यारे मित्रों, एसएससी हम क्या चीज हैं, एसएससी हम क्या चीज हैं, तुम्हें दिखा देंगे रात कितनी भी लंबी हो, जाग कर दिखा देंगे मेरे प्यारे मित्रों। इसी ऊर्जा के साथ, इसी उत्साह के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।